अस्सलामुअलैकुम व नमस्ते। ये मैं मटर आलू पुलाव बनाने जा रही हूँ, सौंफ वाला। उसके लिए मैंने दो आलू बड़े बड़े कट कर लिए, ये चौकोर साइज के। चावल मैंने 600 ग्राम लिए, 600 ग्राम चावल के लिए। ये मटर मैंने लिए हैं, देखिए आप कितना अंदाज से ले लें आप अपने हिसाब से। अब मसाले में मैं सौंफ मैंने 3-4 घंटे पहले भिगो दी थी, 3 चम्मच, इस चम्मच से 3 चम्मच वो भिगो दिया था। ये सौंफ है, ये आपको गरम मसाला, तेजपात 2 पीस, इलायची 2 टुकड़े, लौंग 4-3 इलायची, कौफ चीनी 8-10 दाने, ये जावित्री के एक छोटा सा फूल पत्ता, ये हो गया 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मिर्च, लाल मिर्च, मैं जार में ही डाल ले रही हूँ, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, और ये सौंफ इसमें डाल दूंगी मिक्सी में पीसने के लिए। ये 4 चवे लहसुन के हैं और 2 छोटे छोटे टुकड़े अदरक के, ये आप इसमें डाल के पीस लें। मैं भी इसको पीस के दिखाती हूँ, आगे पीस के फिर दिखाती हूँ। अब मैंने मसालों को फाइन पीस लिया, इसे फाइन मिक्सी में बारीक पीस लिया बिल्कुल। ये पीसे हुए मसाले को मैं अब कुकर में डालूंगी। पहले 2 प्याज काटा मैंने मीडियम साइज़ के, बारीक काटे हैं, इसको लाइट ब्राउन करूंगी। पहले मैंने रिफाइंड डाले कुकर में, आप अपने हिसाब से डालें, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। इसमें थोड़े से घी मिक्स करती है, रिफाइंड घी दोनों मिक्स करके बना रही हूँ। आप क्या है टोटली घी में, प्याज डाल देंगे, जो 2 प्याज काट के रखे थे मीडियम साइज के वो डाल दिए मैंने। गरम मसाले निकाले थे वो डाल दिए मैंने, और इसमें लाइट ब्राउन करनी है, लाइट ब्राउन मिल जाएगा और जो मसाले पीस के रखे हैं वो मैं डाल दूंगी और उसको डाल के भून दूंगी। आज का सिम करके गैस, जब वो भून जाएगा फिर आगे मैं दिखाती हूँ क्या करना है। मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया मैंने ऐसा, इसके बाद अब मैं इसमें जो मसाले पीस के रखे हैं वो डाल दूँगी। हल्दी नहीं डलेगा, हल्दी बिल्कुल नहीं डाल दूँगी। बस अब इसको भूनना है, बहुत ज़्यादा भी भूनना है, सौंफ है जल जाएगा, लेकिन हाँ सिम करके इसको आप भून लें, खुशबू अच्छी आएगी। फिर इसमें सब्जी आलू बटर डालने हैं, मैं भून के दिखाती हूँ आपको कैसा भुनेगा, भुनने के बाद कैसा लगता है। मसाला भून गया है, देखिए तेल छोड़ दिया इसने, मसाला भून गया है। अब इसमें आलू और मटर डालूंगी, आलू आपके जितना डालना है अपने हिसाब से डालना, मैंने अपने हिसाब से डाला। मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, अपने हिसाब से डालें आप, मैंने अपने हिसाब से डाला है। इसको 2 मिनट और पका भून के आलू के मटर का, फिर इसमें पानी ऐड कर दूंगी। पानी में जब उबाल आएगा उसके बाद फौरन
चावल धोकर डालूंगी, पहले से मैंने चावल भिगो के नहीं रखा है, फौरन साथ के साथ डालूंगी बासमती चावल। अब मैं दिखाती हूँ आपको, पानी ऐड कर देंगे, आलू मटर भून गया है, पानी ऐड कर देंगे। उसमें उबाल आएगा फिर चावल धो के डाल दूंगी, पानी कम रख, पानी अंदाज से ही रखें, ज़्यादा ना हो गीला हो जाएगा चावल, कम ना हो जल जाएगा, तो मैं तो अंदाज से ही डालती हूँ। पानी अब इसमें चावल मैंने धो लिया है, पानी में बॉयल आ गया, अब मैं इसमें चावल ऐड करती हूँ। नमक चेक कर लें, एक उबाल आने दें फुल गैस करके, एक उबाल आने दें, एक उबाल आ जाए तो इसको कुकर का ढक्कन लगाएं और गैस को कम कर दें, स्लो कर दें। चावलों में उबाल आ गया, अब इसे मैं फुल फ्लेम पे एक सीटी लगा के, एक सीटी लग जाएगी फिर आप गैस को कम कर दें, कम करके पाँच से दस मिनट उस पर रहने दें, फिर कुकर खोलें, स्टीम निकल जाए फिर कुकर खोलें। मटर पुलाव बन के रेडी हो गया, अब इसे आप देखिए बहुत ही अच्छा बना है, ये देखिए चावल, एक चावल अलग अलग हैं, ये देखिए ये दही का रायता है, रायता बना लें दही का, और धनिया की चटनी है, इससे खाएं बहुत ही टेस्टी, अच्छा सौंफ का फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा लगता है। बस अब ये रेडी है, आप लोग बनाएं और खाएं और बताएं कैसा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।